साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली, बिजली के तारों से, तारों का जो जाल था उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए। 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए डेयरी प्लांट से, नए गोवर्धन प्लांट से किसान और पशुपालकों की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। किसान की लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो, धरती मां और मां गंगा दोनों केमिकल से मुक्त हो, ऐसी प्राकृतिक खेती गंगा किनारे हो, इस पर 10 मार्च चुनाव नतीजे के बाद तेज गति से काम किया जाएगा। आधुनिक हस्तकला संकुल, बिना गारंटी के ऋण, आधुनिक मशीनें, ये बुनकरों हस्तशिल्पियों को नई उम्मीद दे रहे हैं। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है। भाइयों, काशी में हो रहा है और ये इलाज भी आयुष्मान योजना की वजह से गरीबों के लिए मुफ्त है। यही तो विकास है जो आज दिखता है, और ये विकास बिना भेदभाव सबके लिए है। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है।